हेलो फ्रेंड, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मनाली का मौसम बिल्कुल सुहावना हो गया है। आज बादल छा गए हैं चारों तरफ, कल से बारिश हो रही है रुक रुक कर, और ठंडी ठंडी हवा भी बहनी चालू हो गई है। और मौसम हो गया है हल्का चिल्ड, ठंड हो गया है, मतलब कह लो बिल्कुल सुहावना हो गया है मनाली का मौसम। ये है एप्पल गार्डन और ये पूरा माउंटेन ऊपर की तरफ, कहीं कहीं माउंटेन दिख रहे हैं, पहाड़ मतलब, और उसके बीच में खूबसूरत सफ़ेद बादल। और ये पगडंडियाँ बनी हुई है रास्ते गलियों के, तो मनाली टाउन में गलियाँ इसी तरह की होती हैं, पतली पतली और लंबी, जो सीधे जाकर मिलती है फिर मेन रोड में। और इस तरफ है कुछ कॉटेजेस और माउंटेन का व्यू देखिए। और ये सामने पेड़ है एप्रिकॉट का, और नीचे ये येलो येलो एप्रिकॉट गिरे हुए हैं। ये है एप्रिकॉट, जिसे खुमानी भी बोलते हैं, और इसका स्वाद थोड़ा मीठा और थोड़ा खट्टा होता है। इधर खेतों में आलू लगे हुए हैं नीचे, और सामने है ये प्लम का पेड़, ये जो लगे हुए हैं रेड रेड, ये है सारा प्लम, मौसमी फल होता है। और गर्मियों के समय में प्लम, सेब, नाशपाती, एप्रिकॉट, फिर कुछ दिन बाद पोमग्रेनेट आ जाएंगे, और बहुत तरह के बेरी। और ये गिरे हुए हैं यहाँ पर, ये है प्लम, तो ये अभी आधा कच्चा आधा पका है, तो जब पक जाता है तो बिल्कुल लाल हो जाता है और जूस से भरा हुआ रसीला, मीठा और हल्का सा खट्टापन रहता है। इधर भी प्लम के पेड़ लगे हैं, और इधर तो सारे मकान बने हुए बिल्डिंगे हैं, और अभी भी जहाँ जहाँ जगह मिल जाती वहाँ पर सेब के बागीचे लगे हुए दिख जाएंगे। और ये वॉक करते हुए पहुँच गए हैं मेन रोड के पास, और ये है रास्ता आपका नागर से मनाली की तरफ जाता है, मतलब कुल्लू नागर मनाली, पुराना रास्ता है ये। और सामने दिखाई दे रहा है ये नीचे ब्यास नदी, और नया हाईवे बना है जो जाता है सोलंग वैली होते हुए लेह लद्दाख की तरफ। सामने है जंगल वन विहार। अभी वॉक करते हुए जा रहे हैं मनाली मॉल रोड की तरफ कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ का बड़ा मार्केट तो मनाली के मॉल रोड के पास ही, बाकी जगह तो सिर्फ छोटे छोटे मार्केट ही हैं, तो ज़्यादातर ज़रूरत की सामान है आपको मनाली मॉल रोड के आसपास। मनु मार्केट है, ये सियाल मार्केट में ही अवेलेबल होगा। ये है अलौ का एरिया, चिचोगा हाइट होटल, और पूरी हरियाली है इस तरफ। पैदल नहीं जा रहा हूँ मनाली के मॉल रोड के पास, बाइक तो है लेकिन एक किलोमीटर की दूरी, एक डेढ़ किलोमीटर इतना तो पैदल चला ही जा सकता है, और जब मौसम खुशनुमा हो सुहावना हो तो फिर पैदल जाने का ही मजा है। ब्यास नदी का पानी अभी तो साफ है, लेकिन जैसे ज़्यादा बारिश होगी मानसून वाली तो फिर पानी बिल्कुल मटमैला हो जाएगा। और ये सामने की तरफ है, उस तरफ अपोजिट में मनाली का मेन मार्केट। और ये पहुंच गए हैं मनाली के मनु मार्केट के पास, छोटा सा मार्केट है, हर तरह की दुकानें मिलेंगी, कपड़ों की, बुक्स की, फोटोग्राफिक, एडवेंचर एक्टिविटी, टूरिज्म, होटल,
वेजिटेबल शॉप सब कुछ, इधर सब्जियों की दुकानें हैं, तो इस तरह के जनरली वेजिटेबल शॉप्स होते हैं। मनाली आओगे तो इसी तरह के दुकान आपको मिलेंगे, वेजिटेबल शॉप्स, खासकर सब्जी अरेंज की हुई रहती है। प्लेन की तरह नहीं, हम लोग की तरफ तो लोग ठेले में बेचते हैं सब्जी अलग अलग, यहाँ लेकिन सब्जी इसी तरह अरेंज रहती है। और सब्जी वो खुद ही देते हैं, चुन नहीं सकते हो सब्जी, अपने तरफ तो चुन चुन के लेते हैं। और सामने है ये मनाली का गवर्नमेंट HRTC का बस स्टैंड, ये है मनु मार्केट। ये सारा एरिया ज़्यादा बड़ा नहीं है, मुश्किल से 15 मिनट में सारा मार्केट का आप चक्कर लगा सकते हो। तो वेजिटेबल लिया जाए, इस तरह का वेजिटेबल शॉप यहाँ पर सजे हुए। इधर कपड़ों की दुकान है, जैकेट, ये सारे सामने है बिल्कुल माल रोड। ये है मार्केट, तो आइए वेजिटेबल शॉप में वेजिटेबल लेते हैं। वैसे भी मनाली में सारी चीज महंगी है, वेजिटेबल या कोई दूसरा सामान लो, लगभग सारी चीजें आपको महंगी ही मिलेगी। और ये पहुंच गए वेजिटेबल की दुकान के पास। ये है यहाँ का वेजिटेबल शॉप्स, और बढ़िया दे दीजिए सब्जी, 1 किलो प्याज दीजिए ना। ये करेला, भिंडी, लौकी, ये है जुकिनी, केले और बाकी सारी सब्जियां पीछे। प्याज क्या चल रहा है, 40 रुपए ही? अच्छा, सस्ता हो गया, 30 से बढ़ गया, अभी बढ़ेगा। आधी किलो भिंडी दे दीजिए और 1 फूल गोभी, 1/2 डजन केले, ये करेले दे दीजिए 1/2 किलो। और ये फिर लौकी दे दिएगा 1 किलो। टमाटर नहीं, फूल गोभी। आम क्या भाव चल रहा है, 100 रुपए वही? वो वाला 100 है, ये वाला 120 है। अच्छा, 1/2 किलो खीरा दे दिएगा। तो इस तरह के होते हैं इस तरफ वेजिटेबल शॉप्स। कितना हो गया टोटल? सामने है लोकल मार्केट डोलमा कॉर्नर, और इस तरफ चलते हैं, आगे है किराने का दुकान, तो कुछ किराने का सामान लिया जाए। TN जनरल स्टोर, इधर है लोकल मनाली के राजमा, सारे वैरायटी अलग अलग। इस तरफ बहुत सारी वैरायटी मिलती है, लगभग 7 से 8 वैरायटी राजमा यहाँ पर मिल जाती है। वेजिटेबल तो खरीद लिया है, थोड़ा बहुत राशन का सामान भी ले लिया है। लगता है बारिश चालू होने वाली है, हल्की हल्की बूंदाबांदी तो चालू हो गई है, तो चलते हैं जल्दी घर की तरफ, नहीं तो ज़्यादा बारिश शुरू हो जाएगी तो फिर भीगना हो जाए, क्योंकि पहाड़ों में मौसम कब बदलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। 10-15 मिनट में ही बारिश होने लगे और थोड़ी देर बाद भी धूप दिखाई देने लगे। फिलहाल तो चारों ओर बादल ही बादल है।